नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। अभी अभी कोचिंग छुट्टी हुआ है, अभी हम कोचिंग से निकल रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं मेरे दोस्त लोग हैं, सब साथ में पढ़ के निकले हैं। अभी यहाँ पास में ही ये ब्रिटिश कॉलेज है, ब्रिटिश मॉडल कॉलेज, ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। अभी हम SEA के बिल्डिंग में से निकले हैं। यहाँ पास में बहुत सारे कार के शोरूम्स है, आपको दिखेगा, हम दिखाएंगे। यहाँ पे ये सिप्रादी मोटर्स कार बाजार पर लिखा है, कांतिपुर, उधर कांतिपुर मीटिंग हॉल था। पीछे मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं, यह दो लोग मेरे साथ है। और अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह दिखाएंगे। यह है सिप्रादी का मोटर्स, सिप्रादी कार्स। यहाँ पे बहुत सारी कार्स की शोरूम है। आगे चल के आपको टाटा मोटर्स के कार दिखेंगे, उसके बाद हायुंडई का। यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं, ये टाटा का कार कलेक्शन है अंदर। यह सामने ऊपर SEA का बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से हम आए हैं अभी पढ़कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिप्रादी टाटा मोटर्स लिखा हुआ है। बेसिकली ये एरिया कार कलेक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे कार के शोरूम है। तो अभी हम अभी साइड रोड में थे कॉलेज की तरफ जाने वाले, और थोड़े हम जहाँ से अभी कोचिंग करके आए हैं, अभी हम मेन रोड में आ गए हैं। मेन रोड में काफ़ी सारी शोर है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड साउंड को नॉइज कम करने के लिए म्यूट कर दिया है। अब ऊपर देख सकते हैं टाटा मोटर्स लिखा हुआ है। पीछे बहुत सारे लोग, अभी तो हम काफ़ी लोग तो सुबह ही पढ़कर चले जाते हैं। अभी तो सुबह का लगभग 10:30 हो रहा है, तो हम लोगों को ही काफ़ी देरी से छुट्टी हुई है, बाकी सब लोग टाइम पर चले गए। अभी हमारा कोचिंग ख़त्म होने को आया है, इसलिए एक ही पीरियड होता है 2 घंटे का, इसलिए हम सुबह थोड़ा देर से आते हैं और थोड़ा देर तक पढ़ कर चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और कार कलेक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कार सब है इसमें, काफ़ी खूबसूरत लगती है। इधर पास में CG का मोटो कोर्स पर, ये भी एक कार कलेक्शन ही है। ये बिल्डिंग, ये शीशे वाली बिल्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है दोस्त, आपको कैसी लगी ये बिल्डिंग बताना। दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि ब्लॉग क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, तो मैं दोस्तों को समझा रहा था कि ब्लॉग एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज का इस ब्लॉग में। कहाँ लोग विभाग कहाँ से नया गाड़ी चल रहा है, आज यूट्यूब में आउँछ बड़ा इंटरेस्टेड रहे आदमी के। दोस्तों यहाँ से वो ब्रिटिश कॉलेज जाने का रास्ता है, हम ब्रिटिश कॉलेज दिखाए थे पीछे, वहीं पे जाने का रास्ता है। इधर से बिल्डिंग तो पीछे है, लेकिन जाने का रास्ता है यहाँ से। काफ़ी सारे ट्रैफिक होती है यहाँ पे, और हम दोस्त लोग हमेशा कार को देख कर बोलते हैं ये काफ़ी खूबसूरत कार है। तो हम दोस्त लोग ऐसे ही कार को देखकर बोलते हैं कि ये खूबसूरत लग रहा है, इसकी डिज़ाइन अच्छी है, ये कौन सी कंपनी की है। सारी कार को हम देखते रहते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये फलाने कंपनी की है, फलाना मॉडल है, ये इतना पॉपुलर है, ये वो इतना पॉपुलर है, ये सब हम डिस्कस करते रहते हैं दोस्त लोग में। ये भी एक खूबसूरत कार दी गई है। तो बहुत कम ऐसी कार होती है जो अच्छी लगती है, क्योंकि नया नया मॉडल अभी आ रहा है नेपाल में, क्योंकि नेपाल में बहुत महंगी पड़ती है कारें, तो ज़्यादा महंगा कोई किनता नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो महंगे महंगे
कार का शौक रखते हैं। यहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे टैक्सी लगता है, दो तीन टैक्सी कभी कभार लगता है। यहाँ पर ज़्यादा देर रोकने नहीं देता, थोड़ी देर आओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं थापा थाली का बोर्ड लगा हुआ है, अभी हम थापा थाली में हैं। यहाँ पे बस आई है, अभी रुकेगी नहीं, या तो पैसेंजर को उतारेंगे या ले जाएंगे। यहाँ पे बगल में ही थापा थाली कैंपस बोल के, इंजीनियरिंग कैंपस बोल के हैं। साइड में, राइट साइड में यहाँ पे होटल्स है, और यहाँ पे दो चार किताब की दुकानें भी हैं, क्योंकि यहाँ पे बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो यहाँ पे किताब की दुकानें हैं। दोस्तों काफ़ी वक्त लगा वहाँ पे ट्रैफिक से गुजरने में, अभी हम यहाँ भद्रकाली टेम्पल के नज़दीक आ गए। यहाँ पे बगल में भद्रकाली मार्केट भी है, और सामने आपको भद्रकाली टेम्पल दिख रहा होगा। दोस्तों मैं भी यहाँ करीब 5-6 महीने से हूँ, मगर कभी भी गया नहीं घूमने, कभी जाऊँगा घूमने। कृपया आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मंदिर कैसा दिखता है, दिखाने के लिए हम जाएंगे, जाने के बाद आपको ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों आपको दिख रहा होगा सामने, ये भद्रकाली मंदिर का मेन गेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूलों का दुकान लगा हुआ है, यहाँ पे फूल पत्तियाँ बिकती है पूजा करने के लिए। तो हम यहाँ मेन साइड पे हैं, जहाँ से मेन गेट है मंदिर में जाने का। दोस्तों हम आ गए हैं हनुमान ढोकन दरबार स्क्वायर के बगल में। यहाँ पे कभी प्रोग्राम होता है तो कभी कुछ होता है, हम आपको कब से दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या दिखता है। तो आज देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या नज़र आ रहा है इसमें। ये हमेशा यहाँ से मार्केट लगता है, लेकिन कभी कभार यहाँ पर प्रोग्राम होने पर यहाँ पर ये सब नहीं मिलता। तो हम इतने दिनों से चाह रहे थे कि आपको ब्लॉग में बताएं, तो आज मौका मिला है। यहाँ पे खोखरी बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये सब टूरिस्ट के लिए होता है, ये काफ़ी महंगा मिलता है यहाँ पे, तो टूरिस्ट लोग आते हैं जो ये ख़रीदते हैं। ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, काफ़ी अनदेखी चीज़ें होती है, जो शायद ये आपने कभी देखा हो, मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर आके ही देखा। काफ़ी मूर्तियाँ होती है, वो माला पहनने के लिए। यहाँ पे ये कचोरा सब है, पीतल का, तांबे का, ये रुद्राक्ष का माला है, मूर्तियाँ है, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होता है यहाँ, जो शायद आपने भी बहुत कम ही देखा होगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे कुमारी घर में आ गए हैं, यहाँ पे लिविंग गॉडेस रहती है। कुमारी लड़की को यहाँ पे कुछ सालों तक रखा जाता है, जिसे लिविंग गॉडेस भी कहा जाता है, ये काफ़ी पॉपुलर है। अभी हम बगल से गुजरेंगे, ऊपर आपको कुमारी बेकरी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पतली गली है, यहाँ गली तो नहीं, पतली रास्ती है यहाँ से निकलने के लिए। साइड में आप आगे केड़ा देख सकते हैं, ये दुकानें हैं केड़े। और यहाँ पर काफ़ी सारी मंदिरें हैं, मंदिर लोग यहाँ पे पूजा करने ज़्यादातर आते हैं। यहाँ सामने आप फूल देख सकते हैं, आगे भी फूलों का दुकान है। ये आगे आपको काष्ठ मंडप दिख रहा होगा, ये पूरा एकदम पूरे का पूरे काठ का ही बना हुआ है, और ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। तो अब हम दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट कीजिए।